शरद पवार से बढ़िया कोई मतलब कह सकते हैं कि राजनीतिक सौदाबाजी को जानता भी नहीं है, राजनीति को भाप लेते हैं। उनको पता है कि 2024 में कम से कम अभी तो एनडीए को हारने की स्थिति में नहीं है और हमारा दाल नहीं गलेगा, हम कितना भी विपक्षी एकता कर ले। बिहार में लोग नीतीश कुमार को कहते हैं पलटू राम। तेजस्वी यादव ने यह नाम दिया, विधानसभा में इसको लेकर लंबा चौड़ा डिबेट होता है। लेकिन भारत की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा दल बदल किसी नेता ने किया है तो वो शरद पवार है। 78 से आप उठाकर देख लीजिए, अगस्त तक आप देखिएगा ये खबरें आ जाएंगी कि ऑफिशियली जो एनसीपी है शरद पवार की वो एनडीए का हिस्सा हो जाएगा, नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लेंगे, अमित शाह से इनका बात हो चुका है शरद पवार का। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ ही अलायंस नहीं कर रहे थे शरद पवार, इन्होंने कहा कि एक विदेशी मूल की महिला जो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है कांग्रेस जैसी पार्टी की तो हम कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते हैं। और उसी साल 1999 में जब विधानसभा चुनाव हुआ अक्टूबर के महीने में 6 महीने के बाद, तो इन्होंने बजाते अलायंस करके सोनिया गांधी के साथ सरकार बनाई। 2004 में एक विधायक शरद पवार की पार्टी एनसीपी का अधिक आया था, लेकिन अजीत पवार चूंकि मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिले, इसलिए शरद पवार ने सोनिया गांधी से कहा कि मुख्यमंत्री पद आप रख लीजिए, जो 4 मंत्री का पोर्टफोलियो हमको अधिक दे दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात आप समझिए कि शरद पवार पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, शरद पवार पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे वो इसी जनसंघ जिसका प्रोडक्ट आज बीजेपी है, उन्हीं जनसंघ के समर्थन से शरद पवार जो है वो मुख्यमंत्री बने। ये विपक्षी एकता वैसे भी सफल नहीं होना है और सोनिया गांधी को ही विपक्षी एकता करना था, मोहरा बने नीतीश कुमार और संयोजक बने लालू यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। देश में विपक्षी एकता को लेकर एक मुहिम चली हुई है, एक बैठक पटना में हो चुका और दूसरा बेंगलोर में 17-18 जुलाई को होने वाला है। प्रमुख अगुआ जो है इस विपक्षी एकता के, उसमें नीतीश कुमार शरद पवार हैं। दोनों जो हैं वो आंतरिक समस्याओं से घिरे हुए हैं। नीतीश कुमार को डर है कि उनकी पार्टी टूट ना जाए, तो वही शरद पवार की पार्टी टूट गई है। अब आपको बता दें जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक ये लग रहा है कि विपक्षी एकता और कमजोर होने वाली है, क्योंकि शरद पवार को लेकर भी खबरें चल रही है कि वो बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। क्या होगा आगे की रणनीति, क्या रहेगा विपक्षी एकता, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन, इन्हीं से बात करते हैं। उदित, शरद पवार को लेकर बातें चल रही है, ऐसी में विपक्षी एकता का क्या होगा? शरद पवार पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर विपक्षी एकता पर आएंगे। शरद पवार कोई ये पहली बार नहीं होगा कि शरद पवार जो है वो बीजेपी के संपर्क में है या बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसके पहले उन्होंने कई बार प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात आप समझिए कि शरद पवार पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, शरद पवार पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे वो इसी जनसंघ जिसका प्रोडक्ट आज बीजेपी है, उन्हीं जनसंघ के समर्थन से शरद पवार जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। 78 में जो पहली बार मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार थी, 44 विधायक तोड़कर जाकर जनसंघ से मिले और इन्हें सीएम बनाया गया शरद पवार को। और अजीत पवार का जो आपने चर्चा किया कि उनकी पार्टी टूट गई है, तो अजीत पवार पार्टी क्यों नहीं तोड़ेंगे? अब 2004 का जरा विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का याद कीजिए। 1999 में जो कांग्रेस से डील हुई थी शरद पवार की कि जिसका विधायक अधिक होगा वो सीएम बनेगा, 99 में कांग्रेस के विधायक अधिक थे तो कांग्रेस का सीएम बना महाराष्ट्र में। 2004 में एक विधायक शरद पवार की पार्टी एनसीपी का अधिक आया था, लेकिन अजीत पवार चूंकि मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिले, इसलिए शरद पवार ने सोनिया गांधी से कहा कि मुख्यमंत्री पद आप रख लीजिए, जो 4 मंत्री का पोर्टफोलियो हमको अधिक दे दीजिएगा। तो ये चाचा भतीजा का कोई लड़ाई आज का नहीं है। इसके अलावा 2017 में जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे, उस समय भी शरद पवार जो है वो अमित शाह के संपर्क में आए थे। खबरें चली थी कि इंदौर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बीजेपी की बैठक चल रही थी, उस समय ही उन्होंने, शरद पवार ने अमित शाह को फोन करके बजाबते कहा था कि हम आपको समर्थन देना चाहते हैं, एनडीए गठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं, लेकिन बात बनी नहीं। तो कुल मिला जुला कर आप समझिए कि शरद पवार, बिहार में लोग नीतीश कुमार को कहते हैं पलटू राम। तेजस्वी यादव ने यह नाम दिया, विधानसभा में इसको लेकर लंबा चौड़ा डिबेट होता है। लेकिन भारत की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा दल बदल किसी नेता ने किया है तो वो शरद पवार है। 78 से आप उठाकर देख लीजिए, 1999 का घटना है, मार्च में महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ ही अलायंस नहीं कर रहे थे शरद पवार, इन्होंने कहा कि एक विदेशी मूल की महिला जो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है कांग्रेस जैसी पार्टी की तो हम कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते हैं। और उसी साल 1999 में जब विधानसभा चुनाव हुआ अक्टूबर के महीने में 6 महीने के बाद, तो इन्होंने बजाते अलायंस करके सोनिया गांधी के साथ सरकार बनाई थी। तो अगर विपक्षी एकता पर बात है आदेश जी,
अब वही शरद पवार ना है जो मार्च में कहते हैं सोनिया गांधी के बारे में कि विदेशी मूल की महिला यहाँ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की नहीं बननी चाहिए, प्रधानमंत्री की ही बात चल रही थी, और छह महीने बाद उन्हीं कांग्रेस को समर्थन कर देते हैं। तो आज विपक्षी एकता में अगर शरद पवार शामिल हो गए और उसके बाद ये खबरें आ रही है, और खबरें क्यों आ रही है, खबर आने के पीछे भी तथ्य है। देखिए 1 अगस्त को एक बड़ा प्रोग्राम है महाराष्ट्र में, लोकमान्य तिलक समारोह है, उसमें नरेंद्र मोदी को सम्मानित करेंगे शरद पवार अपने हाथ से। और इसी सोमवार, बीते सोमवार, पिछले सोमवार को खबरें आई कि अमित शाह और शरद पवार के बीच बातचीत हुई है, क्योंकि अब शरद पवार को पता है कि महाराष्ट्र एनडीए के हाथ में चला जा चुका है, अजीत पवार अपना पार्टी लेकर चले गए, जो मेन शिवसेना थी वो जा चुकी है, बीजेपी है ही, तो किसी भी स्थिति में एनसीपी वहां पर 1-2 लोकसभा सीट भी अब नहीं जीतने की स्थिति में है। अगर महाराष्ट्र के 3 जिलों को छोड़ दें जो साउथ का है, जहां पर अजीत पवार का पकड़ माना जाता है, तो पूरा महाराष्ट्र जो है वो बीजेपी के कब्जा में है। तो 3 जिला के लिए शरद पवार कम से कम अपना छोड़िए, अपनी बेटी जो है उनके लिए कम से कम भविष्य का राजनीति देखते हुए इनके लिए एनडीए सबसे मुनासिब जगह है। और अगर ये एनडीए में आ जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि पूरा महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले क्लीन स्वीप करेगा। और एक बात और जान लीजिए कि अगर शरद पवार एनडीए में आते भी हैं तो मन मुताबिक सीट नहीं मिलने जा रहा है, ब्लैकमेलिंग खत्म हो गया है उनका। तो आप समझिए कम से कम अपनी बेटी के सीट को भी सिक्योर करने के लिए, ताकि वो अगला लोकसभा जीत जाए, शरद पवार के साथ एकमात्र ऑप्शन यही बचता है कि वो एनडीए अलायंस में चले जाए। और विपक्षी एकता की जहां तक आप बात कर रहे हैं आदेश जी, आप बताइए कि बिहार में ही जब नीतीश कुमार खुद कितना विपक्षी एकता में सम्मिलित हो पाएंगे भविष्य में, जो 17-18 अगस्त को हो रहा है बेंगलोर में या जहां भी होगा, अभी जगह फिक्स नहीं है, एनसीपी मेरा अपना अनुमान है कि 1 अगस्त तक आप देखिएगा ये खबरें आ जाएंगी कि ऑफिशियली जो एनसीपी है शरद पवार की वो एनडीए का हिस्सा हो जाएगा, नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लेंगे, अमित शाह से इनका बात हो चुका है शरद पवार का। तो विपक्षी एकता, और विपक्षी एकता में बचा कौन है बताइए ना, अरविंद केजरीवाल बचे हैं? नहीं, अरविंद केजरीवाल औपचारिक तरीके से बाहर है, ममता बनर्जी औपचारिक तरीके से बाहर है। अभी तो बंगाल में जो हिंसा हुआ है इतना भयंकर, उसको लेकर नेशनल डिबेट चल ही रहा है, कोर्ट से लेकर सब जगह मामला गया हुआ है। तो बंगाल हुआ, दिल्ली हुआ, उसके बाद अकाली दल जो है पंजाब में वो भी आ रहा है अब एनडीए में। तो देश की परिस्थिति और शरद पवार से बढ़िया कोई, मतलब कह सकते हैं कि राजनीतिक सौदाबाजी को जानता भी नहीं है, राजनीति को भांप लेते हैं, उनको पता है कि 2024 में कम से कम अभी तो एनडीए को हारने की स्थिति में नहीं है, और हमारा दाल नहीं गलेगा हम कितना भी विपक्षी एकता कर ले। इसलिए अजीत, अब देखिए एक खबर ये भी छपा था, एक खबर हमने पढ़ा कहीं पर कि अजीत पवार को भी हो सकता है शरद पवार ही भेजे हों, खबरें ये भी आई कि अजीत पवार को शरद पवार ही भेजे हों अपना रास्ता बनाने के लिए, जैसे बिहार में जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार भेजे थे एनडीए में अपना हिस्सा बनाने के लिए, अपना जगह बनाने के लिए। यहां तो बात बना नहीं, हो सकता है कि वहां पर बात बन जाए, क्योंकि बिहार के क्या लगता है कि अजीत पवार के लिए मौका हो सकता है शरद पवार से सचवे अपना पिंड छुड़ाने का, जो क्योंकि वो आ चुके हैं, जगजाहिर है कि चाचा जी नाराज हैं, भतीजा जो है बगावत करके आए हैं, तो क्या फिर से वो एनसीपी को एनडीए में लाकर जो अपना एक कद बनाए हुए हैं उसको फिर वो खत्म कर सकते हैं? क्योंकि जब आएंगे, जब शरद पवार आ जाएंगे तो सारे महत्वपूर्ण फैसले तो वो लिया करेंगे एनसीपी की तरफ से। देखिए जैसे अभी बिहार में आप चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की स्थिति समझिए, बिहार में भी तो वही संदर्भ चल रहा है, भतीजा जो है वो बगावत किया, चाचा जो है वो सरकार में आ गया, वहां पर केस उल्टा है, वहां पर भतीजा बगावत करके महाराष्ट्र में सरकार में है और चाचा बाहर है, चाचा लोग के अब रिटायरमेंट का समय है। जिस तरह पशुपति कुमार पारस राज्यपाल बनने जा रहे हैं, हो सकता है बीजेपी भी शरद पवार को उसी स्थिति में ला दे, क्योंकि बीजेपी का टारगेट जब बीजेपी में जेपी नड्डा कहीं दिए कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करना है, तो वो धीरे धीरे खत्म करने के राह में पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि शरद पवार को साइडलाइन करके कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए, कोई इस तरह का पद दे दिया जाए और उनको साइड किया जाए। लेकिन अजीत पवार अभी मेजर कौन, मतलब कह सकते हैं मेजर एक समर्थक जो है बीजेपी के, उस तौर पर अभी बीजेपी में रहेंगे, एनडीए में रहेंगे, और अजीत पवार को बीजेपी प्रायोरिटी भी देगी, बीजेपी उनको प्रायोरिटी भी देगी। एकनाथ शिंदे अब ऑलमोस्ट एंड पे हैं, तो बचा कौन? मुख्य शिवसेना, अजीत पवार और बीजेपी, और उसमें अगर शरद पवार आते हैं तो अपना 3 जिला का वोट लेकर आएंगे साथ में, तो सारा खेल वोट शेयरिंग को लेकर है। तो फिर ये सोनिया गांधी जो भोज दे रही हैं बेंगलोर के 5-स्टार होटल में, वो भोज क्या है? इन लोगों को लालच देने के लिए है, या फिर सोनिया गांधी को डर है कि जो विपक्षी एकता की जो मुहिम चल रही है वो बस दिखाने के लिए है, वो नहीं हो सकता और किसी तरह अपने तरफ मिलाने का प्रयास है? देखिए 2018 आप याद कीजिए, 2018 में चंद्रबाबू नायडू जो हैं
चंद्रबाबू नायडू ने 20 पार्टियों की विपक्षी एकता की थी, आपको याद होगा वो मंच जिसमें 20 पार्टियां एक साथ खड़ी थी, लेकिन 4 से 5 महीने के अंदर में वो विपक्षी एकता भड़बड़ा कर गिर जाता है। 4 से 5 महीना चला था जिसमें पटनायक जी भी थे उसमें, तो उसमें तो लगभग सभी पार्टी थी, इसमें तो 15 ही दल है अभी तक, अब 15 दल में भी 2-3 दल ऐसे हैं जो अब निकल रहे हैं, एग्जिट कर चुके हैं, ममता बनर्जी एग्जिट कर चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल एग्जिट कर चुके हैं, अब आधी एनसीपी भी एग्जिट कर चुकी है और आधी जो बची है वो 1 अगस्त तक कर ही जाएगी जो खबरें आ रही हैं। तो ये विपक्षी एकता वैसे भी सफल नहीं होना है, और सोनिया गांधी को ही विपक्षी एकता करना था, मोहरा बने नीतीश कुमार और संयोजक बने लालू यादव। जो विपक्षी एकता का भी रूप दिख रहा है ये करवाया गया सोनिया गांधी के द्वारा, मोहरा बने नीतीश कुमार, संयोजक बने लालू यादव, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं उनको क्या मिलना था इसमें? अरविंद केजरीवाल यही ना सवाल उठाए कि हमको क्या मिला, अध्यादेश का भी अपना समर्थन नहीं किया, राहुल गांधी हमको बर्दाश्त नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ हम है, ममता बनर्जी का भी वही कहना था। तो ये भोज होगा, भोज में सभी नेता, पटना में हुआ तो लिट्टी चोखा खाया लोग, नाश्ता पानी हुआ, चाय पानी हुआ, फोटो सेशन हुआ, यही हुआ बिहार में, वही चीज बैंगलोर में भी होगा या जिस भी जगह पे होना है 17-18 अगस्त को। लेकिन अब विपक्षी एकता जो है वो भड़बड़ाकर गिरेगा धीरे धीरे, 2-3 महीने के अंदर में सारा दृश्य साफ हो जाएगा। एनसीपी के बीजेपी के साथ आने से शरद पवार आ जाते हैं तो बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होगा पूरे देश में और खासकर महाराष्ट्र में? देखिए सबसे तो बड़ा फायदा होगा कि विपक्षी एकता भड़बड़ाकर गिरेगा। शरद पवार जहां बीजेपी के साथ आए, एनडीए में आए, तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो विपक्षी एकता का बात लोग कर रहा है वो धड़ाम से गिरेगा जमीन पर। दूसरा फायदा होगा कि महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ जो आज इतना खराब स्थिति है, शरद पवार के साथ वहां का 8 से 10% वोट है जो 3 जिला है, वो बीजेपी के साथ आ जाएगा, तो ओवरऑल बीजेपी को हर तरह से फायदा है। और उद्धव ठाकरे भी क्या ऐसा कुछ फैसला ले सकते हैं, क्या वो भी एनडीए की तरफ वापसी कर सकते हैं? देखिए उद्धव ठाकरे का तो राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा गलती हुआ बीजेपी से अलायंस तोड़ना। 2017 का एक प्रसंग है, 2017 में भी शरद पवार ने बीजेपी से संपर्क साधा था, मैंने बताया चर्चा के शुरू में, तो उस समय अमित शाह ने यही कहकर उनका समर्थन नहीं लिया था कि हमारी 25 साल पुराना गठबंधन जो है वो शिवसेना से है, हम उनसे गद्दारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही शिवसेना अगला बार जब विधानसभा चुनाव होता है 2019 में, जो नेक्स्ट इलेक्शन हुआ स्टेट इलेक्शन, उसमें इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए। और ये किस फैमिली से आते हैं? वो बाला साहब ठाकरे के फैमिली से जिन्होंने ये शर्त ही रखा था अपने परिवार में कि महाराष्ट्र में सत्ता किसी का हो, हमारे घर से ना कोई विधायक होगा ना कोई मंत्री होगा। आजीवन चुनाव नहीं लड़ने वाले बाला साहब ठाकरे के परिवार से उद्धव ठाकरे आए जिन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने सबसे पुराने सहयोगी जिनसे और विचारधारा भी वही आइडियोलॉजी बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा आइडियोलॉजिकल मैच जिस पार्टी से था उसका साथ छोड़कर ठीक उल्टे आइडियोलॉजी वाले पार्टी के साथ जाकर सरकार बना ली। तो उद्धव ठाकरे के पास अब कोई स्केप रूट बचा नहीं है, और अब बीजेपी के हाथ में है कि इनको लेती है या नहीं लेती है। उद्धव ठाकरे के पास अब कुछ बचा नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए, बीजेपी के कोर्ट में वो बॉल है कि वो क्या डिसीजन लेती है, क्या फैसला लेती है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो है वो काफी उथल पुथल मचा हुआ है, और इन सब के बीच में बताएं कि पहले भतीजे के द्वारा बगावत किया गया और अब चाचा भी लगे हुए हैं बीजेपी के अंदर आने की कोशिश में, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि शरद पवार जो है विपक्षी एकता की एक धुरी माने जा रहे थे और उनके द्वारा ही विपक्षी एकता को टाटा बाय बाय करके मोदी के साथ आ जाना ये महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाएगा और एक मैसेज देगा जो विपक्षी एकता की कोशिश बिहार उत्तर प्रदेश से की जा रही है कि हम एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को बाहर करेंगे, उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे शरद पवार, और हो सकता है कि विपक्षी एकता जो है वो भड़बड़ा कर नीचे गिर जाए। तो देखिए आगे क्या होता है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।